Yep, so welcome back everybody to this wonderful session, and this is lecture number 3 of solution. Lecture number 3 of solution. ये मेरी new updated timings है, आप इसको note down कर सकते हैं. चलिए, this is lecture number 3 of solution. अभी यार थोड़ा सा recall करते हैं. Lecture number 2 में हमने क्या पढ़ा था? यार lecture number 2 में हमने vapor pressure के बारे में शुरुआत किया था. Volatile, non-volatile. वोलेटाइल लिक्विड के बारे में समझा था. अगेन मैं रिपीट मार देता हूँ, वोलेटाइल मतलब वो लिक्विड जो कि इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जिसके वेपर बनाए जा सके, उसको वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं. और भैया नॉन वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड जिसको कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है, किसमें? वेपर में. सिंपल है. फिर उसके बाद मैंने आपको केस पढ़ाया था जिसमें मैंने एक सोल्यूशन तैयार किया था जिसमें सॉल्वेंट जो था वो आपका एक वोलाटाइल सॉल्वेंट था, मतलब इजिली वेपर बनाया जा सकता है, और सॉल्यूट जो था वो आपका एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, मतलब इजीली वेपर नहीं बना सकता है. उसके बाद मैंने आपको पी नॉट का मतलब समझाया था कि भैया अगर पी नॉट ए लिखा है, इसका मतलब वो प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की बात कर रहा है. पी नॉट ए का मतलब क्या है कि वो प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर का बात कर रहा है, ठीक है. और फिर मैंने ये भी समझाया था कि अगर प्योर सॉल्वेंट और आपका पार्शियल प्रेशर में कंपेरिजन करें तो हमेशा पी नॉट ए की वैल्यू पार्शियल प्रेशर किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन से उसकी ज्यादा वैल्यू होती है. इट मींस कि अगर वेपर प्रेशर अगर हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है हमेशा, ठीक है. तो ये सारी बातें लेक्चर नंबर 2 की थी. आज का जो लेक्चर है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. क्यों? क्योंकि आज शुरुआत हो जाएगी एक्चुअली राउल्ट्स लॉ की. तो इसी केस के बाद, इसी केस पे बेस्ड हम कुछ स्टडी करेंगे, कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे दैट नेम्स विथ राउल्ट लॉ ऑफ वेपर प्रेशर. नोट डाउन करते चलिए, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे. शुरुआत करेंगे राउल्ट लॉ वेपर प्रेशर. हमने वेपर प्रेशर का एक बढ़िया इंट्रोडक्शन ले लिया था, ठीक है, ऑल गुड. चलो चलो ठीक है. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, राउल्ट लॉ ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ये लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ बोलता क्या है, ठीक है, और किन किन चीजों के बारे में हमें इस लॉ के अंदर पढ़ना है, ये चीज को ध्यान दो थोड़ा मेरे साथ. राउल्ट लॉ बड़ी सिंपल सी बात बोलता है. वो ये बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, ध्यान से समझिएगा जो लिख रहा हूं, पहले उसको समझ लीजिए फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, ये मेरे शब्द नहीं, ये राउल्ट्स लॉ के शब्द हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन सॉल्यूशन. अब समझिए क्या बात बोला सर, मेरे साथ लाइन वापस पढ़िए. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि सर अगर आप एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मान लो ये हमारा एक सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है सर, सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट, ठीक है. अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है सर, और अगर मैं मान के चलूं ये कि भैया जो इसमें जो हमारा ए है वो एज अ सॉल्वेंट है, और ये जो सॉल्वेंट है ये एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है. कैसा सॉल्वेंट है? वोलाटाइल सॉल्वेंट. और वोलाटाइल का मतलब क्या है भैया, कि ये जो सॉल्वेंट है ये इजिली प्रेशर बना सकता है, इजिली वेपर बना सकता है, और वेपर होगा तो वेपर प्रेशर भी होगा. बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर किसी भी सोल्यूशन में कोई एक कॉम्पोनेंट अगर वोलाटाइल है तो उस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब अगर मान लो कि एक सोल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों है, और ए जो है वो एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है, तो मैं लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को सिंपली क्या लिखते हैं, पी ऑफ ए, पीछे मैंने बता दिया था ऑलरेडी. अगर नॉट लगाता इसका मतलब वो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, पर अगर पार्शियल प्रेशर लिखना है तो मैं सिंपली पी ए लिखूंगा. वही मैंने यहां लिखा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, तो अगर ए वोलाटाइल कंपोनेंट है तो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को क्या लिखूंगा, पी ए लिखूंगा.
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब जो वोलाटाइल, मान लो अगर ए जो वाला कंपोनेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर मान लो ए और बी दो कंपोनेंट है, और ए वाला कंपोनेंट एज अ सॉल्वेंट है जो कि वोलाटाइल सॉल्वेंट है, मतलब वोलाटाइल कंपोनेंट है, तो ये बोला ये है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वोलाटाइल कंपोनेंट का, मतलब पी ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट, और वोलाटाइल कंपोनेंट कौन सा है, ए है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ओके, मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, मतलब जो कंपोनेंट वोलाटाइल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, मतलब पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब हम सबको पता है कि सर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो अगर मैं कह दूं कि पी ए जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो मैं इसको लिए ये लिख सकता हूं कि पी ए इज इक्वल्स टू, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए आता है, और पी नॉट क्या है, ये पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तो उस वक्त, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात बोली, क्या, कि भैया अगर कोई सोल्यूशन आप तैयार कर रहे हो, अगर उस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है जिसमें से अगर एक कंपोनेंट क्या है, वोलाटाइल है, तो उस वोलाटाइल कंपोनेंट का जितना भी पार्शियल प्रेशर होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी वोलाटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो मैंने बोला वही कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है उसमें ए और बी दो कंपोनेंट है, अगर उनमें से ए वाला जो कंपोनेंट है अगर वो वोलाटाइल है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट का काम यहाँ क्या करता है, पी नॉट ए काम कर रहा है एज अ कांस्टेंट, मतलब पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए को हम कह सकते हैं कि ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बदलेगी नहीं। तो क्या ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट आपको समझ आया, टेल मी क्विक, क्या आपको ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट समझ आया, बताओ बच्चा, ओके वेरी गुड। अच्छा अब इसके बाद क्या सर, इसके बाद सिंपल सी बात है, क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और नोट करूं, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। इसका ग्राफ से भी रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, बिल्कुल, तो भाई ग्राफ है तो ग्राफ खींचना पड़ेगा। अब सोच के देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि भैया पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अभी अभी हमने देखा पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, यही है राउल्ट्स लॉ, अभी हमने पीछे देखा यही है राउल्ट्स लॉ का रिलेशन, ठीक है, जहां ए जो है वो क्या है, वोलाटाइल कंपोनेंट है, ये भी नोट कर लो, वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन था उसका ए वोलाटाइल कंपोनेंट, इसलिए राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, ठीक है सर। अब सोचो जरा इसको अगर मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करूं तो क्या आपको ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिख रहा है, अरे सर बिल्कुल, कैसे भैया, अगर मैं ग्राफ खींचू ऐसे, तो एक ग्राफ में दो एक्सिस होती है, तो ठीक है भैया लो दो एक्सिस खींच दो, अगर वाई एक्सिस पे मैं आपका पी ऑफ ए ले लूं और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ले लूं, तो भैया राउल्ट्स लॉ के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल यार, तो मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया, पी ऑफ ए, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन। अब कंपेयर करो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, और सबको पता है सर कि वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, इतना सिंपल, बिल्कुल यार इतना सिंपल, बोलो समझ आया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अरे यार इक्वेशन देख के समझ सकते हो, y cos mx से कंपेयर करो, y cos mx क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर है, चलो बताओ क्लियर है ना भैया, बताओ यार ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है,
आवाज आ रही है कि नहीं ये बताओ एक बार, एम आई ऑडिबल? नहीं तो फिर बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर ब्लर दिखने लगता है ना आपको। एम आई ऑडिबल? वाशिद, एम आई ऑडिबल? ओके ओके ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ओके देन, चलो ठीक है। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्या इसके अंदर ना एक बाइनरी सॉल्यूशन का केस होता है। कैसे? जैसे हमने केस वन पढ़ा था अभी देखो पीछे, याद है प्रीवियस क्लास में, तो केस वन में हमने क्या बोला था कि हम एक ऐसे सॉल्यूशन की का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, मतलब कि एक वोलाटाइल लिक्विड था और एक नॉन वोलाटाइल था। अब राउल्ट्स लॉ के अंदर हम ये केस नंबर टू पढ़ते हैं। कौन सा केस नंबर टू? सर मान लो अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करें जिसमें दोनों के दोनों वोलेटाइल हो तो। अच्छा पिछले केस में क्या था भैया? एक वोलेटाइल था एक नॉन वोलेटाइल था, है ना? ये वो केस नंबर वन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम एक वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे सोल्यूशन का जिसके अंदर एक वोलेटाइल था जो कि सॉल्वेंट का काम कर रहा था और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था। बट सर व्हाट इफ अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करें जिसमें दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड हो? ओहो, तो उसका सर वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा? वही राउल्ट्स लॉ का केस नंबर टू है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए क्या है केस नंबर टू, कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड। क्या बात है! मतलब सर एक सॉल्यूशन, ये हमारा कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें दोनों कंपोनेंट, क्यों, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, दोनों कंपोनेंट। क्या मतलब है? अरे भैया ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट हमने यूज किया प्लस जो सॉल्यूट हमने यूज किया, इस बार दोनों के दोनों क्या थे? वोलाटाइल थे। तो इसीलिए वोलाटाइल सॉल्वेंट भी था और वोलाटाइल सॉल्यूट भी था। मतलब अगर ए को मैं सॉल्वेंट बोल दूं और बी को मैं सॉल्यूट बोल दूं तो इस बार ए और बी दोनों वोलाटाइल है। और भैया अगर दोनों वोलाटाइल है इसका मतलब कि दोनों के दोनों ही प्रेशर बनाएंगे। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में भैया ए आपका जो सॉल्वेंट था वो सिर्फ वोलाटाइल था, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल था, तो वो केस नंबर वन था। अब केस नंबर टू जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ लिए हैं तो केस नंबर टू को हम आसानी से देख सकते हैं। और केस नंबर टू क्या है कि हमने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जिसके अंदर सॉल्वेंट भी वोलाटाइल और सॉल्यूट भी वोलाटाइल, मतलब ए और बी दोनों वोलाटाइल है। इसका मतलब इस बार खूब भर भर के जम के भैया वेपर प्रेशर बनेगा। क्यों? क्योंकि वेपर ज्यादा बनेंगे, दोनों वोलाटाइल है। इस केस में सर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, किसे सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, वो देखो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। अभी हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया तो हम राउल्ट्स लॉ का यूज करेंगे। केस नंबर टू में हम किसका यूज करेंगे? राउल्ट्स लॉ का। तो जरा लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। हमने राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था अभी भैया? हमने राउल्ट्स लॉ में ये पढ़ा था कि भैया जो भी कॉम्पोनेंट वोलाटाइल होता है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के। अब इस बार भैया वोलाटाइल सॉल्वेंट भी है, वोलाटाइल सोल्यूट भी है, मतलब अगर मेरे को वेपर प्रेशर ऑफ क्या लिखना है, ए लिखना है, तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं पी ए लिख सकता हूं, वो क्या होगा? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि वोलाटाइल है, इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए। भैया राउल्ट्स लॉ यही कहता है कि जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट है उसके पार्शियल प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके वेपर प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, भैया पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए। अच्छा इस केस में सर बी भी इस बार वोलाटाइल है, मतलब अगर मेरे को वेपर प्रेशर ऑफ बी लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, जिसको मैं पी बी बोलता हूं, तो मैं लिख सकता हूं भैया पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा मतलब ए भी वोलाटाइल था इसलिए पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और इस बार बी भी वोलाटाइल है इसलिए पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब भैया ये तो अलग अलग आपने लिख दिया, ये आपने सॉल्वेंट के लिए लिख दिया और ये आपने सॉल्यूट के लिख लिया। व्हाट इफ अगर हमसे पूछे, क्योंकि हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है भैया, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें चाहिए, पूरे सॉल्यूशन का चाहिए, तो अगर मैं लिखूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो वो क्या होगा? सिंपल है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जिसको मैं कैपिटल पे लिखता हूं वो होगा
भैया पी ए और प्लस पी बी, भैया दोनों को जोड़ दो, सॉल्यूट सॉल्वेंट भैया दोनों को जोड़ दो, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट का हमने इंडिविजुअल प्रेशर निकाल दिया, सॉल्वेंट का हमने इंडिविजुअल प्रेशर निकाल दिया, तो अगर हमको पूरे सॉल्यूशन का चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब पी ए पी बी क्या है भैया, तो मैं लिख सकता हूँ कि पी टी टोटल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दोनों आप लिख सकते हो। पीटी का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर, मतलब पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो वो क्या हो सकता है भैया, वो हो सकता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दिस इज केस नंबर टू। और ये आया कहाँ से सर, ये राउल्ट्स लॉ की हेल्प से आया। मैं आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्टेप को मैं इजिली पढ़ा के चल रहा हूँ साथ में, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि भैया ये बीच में कहाँ से आ गया। इसलिए मैंने पहले केस वन पढ़ाया, फिर राउल्ट्स लॉ पढ़ाया, फिर केस टू पढ़ाया। बहुत आराम से क्लियर हुआ होगा, बता दो यार एक बार कि यस सर। अब अगर मुझे दो वोलाटाइल कॉम्पोनेंट दे दे, दोनों के दोनों वोलाटाइल दे दे, तो भी मैं लिख लूंगा एक्सप्रेशन। और अगर एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल दे, तो केस नंबर वन तो हमने पढ़ा ही है, तो भी मैं लिख लूंगा। बोलो समझ आया, मजा आ गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्लियर है? वाह, राउल्ट्स लॉ तो यही से आते हैं। एक क्वेश्चन आता है और कौन सा, आओ देखो, ये केस नंबर टू है ना। अब जैसे देखो, हमने एक देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब देखो आगे, अब एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, किसका, ये केस नंबर टू का। ये केस नंबर टू का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, इसी के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, पर ये कौन सा वाला है, ये वो वाला है फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड, समझे? तो ये जो अभी हमने केस पढ़ा, इस केस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ग्राफ बताओ ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो आप इस ग्राफ को देख के आप समझेंगे, फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। एक जनरल आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जो कि वाई इक्वल्स टू एम एक्स था, जो कि सिर्फ किसके लिए था, राउल्ट्स लॉ के लिए था। बट राउल्ट्स लॉ के अंदर केस टू के लिए जो ग्राफ है वो ये है, इसलिए दोनों अलग अलग है, समझिएगा। अभी अभी हमने क्या पढ़ा भैया, अभी पढ़ा कि टोटल प्रेशर जो था वो क्या था, पी ए प्लस पी बी, मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ए और बी दोनों के लिए ना एक कॉमन ग्राफ बनता है इसमें, वो कॉमन ग्राफ कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जब आपने अभी पढ़े होगा अपने टाइम में, तो आपने चीज को देखा होगा, बट चिंता ना कीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं समझाऊंगा। आप एक ग्राफ मैंने ऐसे खींचा और दूसरा इसी में मैं एक और खींचता हूं, अब ये समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हमेशा आपको पता है कि भैया एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं। अरे ग्राफ अभी पीछे पड़े थे ना राउल्ट्स लॉ का, एक्स एक्सिस पे क्या था, मोल फ्रैक्शन था, और वाई एक्सिस पे क्या था, प्रेशर था। तो भैया यहां भी वही होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इस बार मोल फ्रैक्शन हमारा ए और बी दोनों का है, समझिएगा। तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये ए को रिप्रेजेंट करती है, जो पहली लाइन मैंने ड्रॉ की है। देखो ग्राफ ऐसे ही बनता है, इसलिए मैं ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, क्योंकि बुक में आपके ऐसे ही दिया हुआ है, तो मैं अलग ग्राफ नहीं बनवा सकता, ठीक है। तो समझिए मेरे साथ, पहली लाइन जो डिनोट करेगी वो ए को डिनोट करेगी, और दूसरी लाइन डिनोट करेगी वो बी को डिनोट करेगी। तो सोच के देखो, जो पहली लाइन है वो ए की लाइन है, और दूसरी लाइन है वो बी की लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये वेपर प्रेशर वाली लाइन है, क्योंकि इधर क्या होता है, प्रेशर होता है ना, इधर भी क्या है, वेपर प्रेशर है। तो आप वीपी लिख लो, ठीक है, इसको हटा दो, वीपी लिख लो। अब देखो, सोच के देखो, होता क्या, हमारे पास एक्सप्रेशन है सर। क्या एक्सप्रेशन है सर, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक एक्सप्रेशन है सर पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हम कुछ मार्किंग करते हैं ग्राफ की, कैसी मार्किंग करते हैं, हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग वाला, ओरिजिन वाला, उस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो वन है, और इस पॉइंट पे अगर मोल फ्रैक्शन ए का वन है, तो बी का मोल फ्रैक्शन हम इस पॉइंट पे जीरो मान के चलते हैं। मतलब एक्स ए की वैल्यू वन है, ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, इस हाईलाइटेड पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू वन है, एक्स बी की वैल्यू जीरो है। वैसे ही अगर दूसरे पॉइंट को मैं मार्क करूं, तो इस पॉइंट पे मैं मानता हूं कि सर ये जो एक्स ए की वैल्यू है इस पॉइंट पे जीरो हो गई, और एक्स बी की वैल्यू इस पॉइंट पे वन लेते हैं। मतलब ये जो बी वाली लाइन है, तो जो बी वाली लाइन होगी उस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन वन होगा,
और अगर ए वाली लाइन पे देखें तो इसमें मोल फ्रैक्शन एक्स ए का वन होगा, ये समझिए थोड़ा ध्यान से। ए वाली लाइन पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो, और बी वाली लाइन पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो, ये बस आपको समझना है, ये कन्वेंशन है, ऐसे ही याद किया जाता है, इसी वजह से मैं आपको ये चीज लिखा रहा हूं यहां। तो मान के चलो कि जो मैंने पहला ये पॉइंट नोट किया है ग्रीन वाले से, वहां एक्स ए की वैल्यू वन है और एक्स बी की वैल्यू जीरो है, मतलब अभी मोल फ्रैक्शन बी का जीरो हो चुका है। और जब मैं यहां पहुंच गया कौन सी लाइन, वेपर प्रेशर ऑफ बी वाली लाइन पे, तो इस पे एक्स ए की वैल्यू जीरो हो गई और एक्स बी की वैल्यू वन हो गई। अब सोच के देखो भैया, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू को जीरो कर दूंगा तो जो प्रेशर होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू इस पूरे फॉर्मूले में सोच के देखो, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू को जीरो करूं, मतलब प्रेशर क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। और अगर एक्स ए की वैल्यू वन है तो मान के चलता हूं कि जो वन वाला पॉइंट होगा वो कहीं यहां होगा। इसका मतलब कि जो पी नॉट ऑफ ए है वो यहां है, और ये पी नॉट ऑफ ए क्या हो रहा है, रिड्यूस होते 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 जब एक्स ए की वैल्यू कहां पहुंच गई, जीरो पे पहुंच गई। तो जब एक्स ए की वैल्यू जीरो की तो जो पूरा प्रेशर था वो क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, जीरो के। इसलिए लाइन कैसे आएगी, ये लाइन ऐसी आएगी जो कि डिक्रीजिंग स्लोप के साथ आएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस में, वैसे वैसे एक्स ए की वैल्यू जीरो हो रही है, और जो पी नॉट ए है, पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू वो भी घटते हुए क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसलिए एक ऐसा स्लोप आता है जो जिसको डिक्रीजिंग स्लोप कहा जाता है। ये था पहला। अच्छा दूसरा, सर अगर बी मैं चेक करूं इसमें, तो भैया इस पॉइंट पे एक्स बी की वैल्यू वन है, तो मैं मान के चलता हूं कि कहीं एक्स बी की वैल्यू वन यहां रही होगी, तो इस पॉइंट पे आप लिख दीजिए पी नॉट ऑफ बी। और जैसे जैसे मैं एक्स बी की वैल्यू को जीरो करूंगा, पूरा प्रेशर जीरो होता जाएगा। इसका मतलब अब ये जो ग्राफ आएगा, एक्स बी जीरो कहां हो रहा है, यहां, तो हमको इधर जाना पड़ेगा। मतलब आप इस ग्राफ को ऐसे लाइए नीचे की तरफ और इससे ज्वाइन कर दीजिए। जब भी हमें एक्स ए का ग्राफ खींचना है तो आपको इधर जाना है, क्यों, क्योंकि यहां एक्स ए वन है, जीरो इधर हो रहा है, तो जिधर जीरो हो रहा है उसके तरफ बढ़िए। सिमिलरली अगर हमको एक्स बी की लाइन खींचनी है तो एक्स बी जिधर वन है पहले वहां से शुरू कीजिए, और जिधर जीरो हो रहा है उधर मूव होइए, तो आपको एक क्रॉस मिलेगा ऐसे। इस ग्राफ को कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउटला फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड। कैसा, टू वोलाटाइल लिक्विड। अब एक और चीज आती है इसमें, क्या भैया, ये तो चलो पी नॉट ए है, पी नॉट बी। आपके मन में सवाल यह रहा होगा कि भैया पी नॉट ए को आपने इस यहां बनाया और पी नॉट बी को आपने यहां बनाया, भैया ये पी नॉट बी आपने ऊपर क्यों बनाया, आप ऐसा भी तो ग्राफ बना सकते थे, एक यहां ले लो पी नॉट ए और एक यहां ले लो पी नॉट बी, दोनों को आप बराबर लेवल पर भी बना सकते थे। बट भैया पी नॉट बी को आपने ज्यादा बनाया है और पी नॉट ए को आपने कम बनाया है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट केस है ग्राफ का भी, फर्स्ट केस। जी हाँ, ये पहला ग्राफ है, कौन सा, वेन, हम मान के चलते हैं कब, जब पी नॉट बी पी नॉट ए से बड़ा है। इसीलिए देखो मैंने क्या किया है ग्राफ में, पी नॉट बी को थोड़ा ऊपर बनाया है और पी नॉट ए को पी नॉट बी से थोड़ा नीचे, तो ये पहला ग्राफ है। तो भैया एक और ग्राफ बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, तो ये फर्स्ट केस का ग्राफ है, ग्राफ का भी पहला केस, कौन सा, वेन पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए, मतलब प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है अगर बी का, मतलब सॉल्यूट का, ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा जैसा मैंने ड्रॉ किया है। समझ आया होगा आई थिंक। अब एक और चीज में ये नोट कर लो, क्या भैया, ये तो आपने अलग अलग बना दिया, ए का अलग बना दिया, बी का अलग बना दिया, अलग अलग लाइन पे। अब अगर मान लो कि इन दोनों लाइन को मैं जोड़ दूं, तो ये जो दोनों लाइन होगा, क्या मैं इस दोनों लाइन को टोटल प्रेशर कह सकता हूं, बिल्कुल, जो क्या होता है पी ए प्लस पी बी। तो अब हुआ ये ग्राफ कंप्लीट, ये ग्राफ अब कंप्लीट हो गया। अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होगा, ये आपको टोटल प्रेशर देता है ग्राफ से, जो हमने पीछे देखा था टोटल सॉल्यूशन का। तो इसको कहते हैं कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड केस वन, जिसमें पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। क्या ये ग्राफ आपको समझ आया, बस आप इस ग्राफ को ध्यान से बस एक बार याद जैसा कर लीजिए, याद भी आप कर सकते हैं, अगर आप समझ गए वेल एंड गुड। समझ आया वासिद, समझ आया वासिद, नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं। तो आवाज आवाज आ रही है, स्क्रीन वगैरह दिख रहा है, या फिर कहीं से आपने कनेक्शन लिए लिया ले रखा है, एक बार ये बता दो मेरे को।
क्या हुआ, समझ नहीं आया? समझ आया, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब सोच के देखो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग वाला एक्सेस कर लीजिएगा, बस क्लास आप कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद एक ग्राफ और है वो कराता हूँ, ठीक है? बस क्लास आप कर लीजिए, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग बार देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक? ये देखो, ये पहले केस का ग्राफ था, अब इसी में एक केस टू का ग्राफ बनता है। इस बार सर हमने माना था क्या कि पी नॉट बी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी नॉट ए। अब केस टू भी करा दो। वॉट इफ अगर मैं मान के चलूं कि भैया इस बार पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से, तो इस केस में ग्राफ कैसे ड्रा होगा? सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है। देखो पहला केस क्या था भैया, पी नॉट बी ज्यादा था, मतलब बी जो है वो ज्यादा प्रेशर बना रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, सिंपल, कि भैया बी ज्यादा प्रेशर बना रहा है इसलिए पी नॉट बी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी नॉट ए। बट वॉट इफ केस नंबर टू, अगर कहीं दे दे कि पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी और इसका ग्राफ बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे? सब कुछ सेम रखेंगे, वही दो ग्राफ एक साथ आप ज्वाइंट करके बनाएंगे, कुछ ऐसा जैसा मैं आपको बना रहा हूं। इस पॉइंट पे क्या लेना है, इस पॉइंट पे सर एक्स ए को 1 लेना है, एक्स बी को 0 लेना है, ये कन्वेंशन है, ऐसे याद रखिए आप। इस पॉइंट पे सर एक्स बी को 1 लेना है और एक्स ए को 0 कर देना है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है भैया, केस टू का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है जिसमें पी नॉट ए ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी नॉट बी, तो भैया इस बार पी नॉट ए को थोड़ा ऊपर रखेंगे, तो इस ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और फिर सर यहां से एक डिक्रीजिंग स्लोप आएगी जब जहां एक्स से 0 हो रहा है। वैसे ही अगर पी नॉट ए ज्यादा है एज कम्पेयर टू पी नॉट बी, तो भैया इस बार पी नॉट ए का लेवल ये है, तो इससे थोड़ा नीचे हम ड्रॉ करेंगे पी नॉट बी का, तो इस बार जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा भैया, इस पॉइंट को मान लो ये है आपका पी नॉट बी, तो फिर जो ग्राफ आएगी वो ऐसे घटती हुई आएगी, समझे? अब अगर टोटल प्रेशर वाली लाइन चाहिए तो भैया आप पी नॉट ए पी नॉट बी चिपकाओ, इनको जोड़ दो एक सीधी लाइन से, तो ये वाली लाइन जो होगी ये लाइन हमें क्या देगी, टोटल प्रेशर जो होता है पी ए प्लस पी बी के बराबर। ये लाइन है वेपर प्रेशर ऑफ ए वाली और ये लाइन है वेपर प्रेशर ऑफ बी वाली। इसी कन्वेंशन से आप याद रखेंगे तो आपको दोनों केस के ग्राफ क्लियर हो जाएंगे। समझिए दोनों में अंतर है, पहले केस में पी नॉट बी ग्रेटर देन था पी नॉट ए से, दूसरे केस में पी नॉट ए ग्रेटर देन है पी नॉट बी से। क्या ये केस आपको चमक गया? दूसरा ग्राफ भी क्लियर हो गया वासिद? दूसरा ग्राफ भी क्लियर हुआ आपको कि हाँ सर अब तो बना लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है सर। बता दो बच्चा, हाँ ग्राफ पहचानने के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ दे देगा पूछेगा बताओ कौन से केस का ग्राफ है, टू वॉलेटाइल वाला है या टू सिंगल वाला केस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चिंता ना करें आप, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ओके समझ आया। समझ आया बच्चा आपको? चलिए अब समझ आया, तो आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं कि सर कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन नोट कर लो फिर सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है? आपके नेट खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लो मेरे साथ फिर उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन है टू लिक्विड, ए एंड बी फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं बताऊंगा आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, चिंता ना कीजिए, बट अभी समझिए कि एक सोल्यूशन है बस, ठीक है? एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ए एंड 3 मोल, ध्यान समझिएगा, बी इज 500 mm Hg, ये प्रेशर है, प्रेशर के यूनिट है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? एट द सेम टेम्परेचर
एट दी सेम टेम्परेचर इफ वन मोल बी इज फर्दर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एडेड देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाई 10 mmHg। वाह, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान समझिए, बहुत बड़ा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर ये करने आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको राउल्ट्स लॉ समझ आ गया, मैंने पढ़ाया हुआ। पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, आप समझिए, आइए मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि दो लिक्विड है ए एंड बी, जिसमें एक सोल्यूशन है, इसमें डाला गया है दोनों लिक्विड को, ठीक है। अब उस पूरे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जिसके अंदर ए का मोल हमें दे दिया जो कि 1 मोल है, 1 मोल है, और बी का भी मोल हमें दे दिया जो कि 3 मोल है, समझिएगा, ए का मोल उसने दिया 1, बी का मोल उसने दिया 3, इज 500 mmHg। मतलब हमारे पास, कहने का सिंपल मतलब ये, समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ आएगा। भैया एक सोल्यूशन है हमारे पास ऐसा, जिसके अंदर ए और बी दो कंपोनेंट है, मतलब ए प्लस बी का बनाया हुआ एक सोल्यूशन है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमें दे दिया वो है 1 मोल, यहां लिखा है 1 मोल ए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हमें दे दिया जो है 3 मोल, मतलब बी का मोल है 3, एन बी की वैल्यू 3 है, एन ए की वैल्यू 1 है, ठीक है सर। इस सोल्यूशन का जो प्रेशर है, इन दोनों लिक्विड से जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को अगर मैं सोचो ऐसे हीट करना शुरू किया तो भाप बनेगा, और भाप बनेगा जब वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी आएगा, तो वो वेपर प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है पूरे सोल्यूशन का। वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, मतलब पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर को मैं टोटल वेपर प्रेशर भी लिख सकता हूँ। मैंने पीछे बताया अभी कि या तो आप कहो कि टोटल वेपर प्रेशर कितना है, या फिर कह लो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना है, यानी पीएस या पीटी की वैल्यू उसने दे दी, कितनी दे दी टोटल सोल्यूशन की, वो है 500 mmHg, यानी 500। प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 500। टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 500, या प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कहो, पूरे सोल्यूशन का प्रेशर कहो, वो भी कितनी है, 500, ठीक है। अब ये बोला है कि एट द सेम टेम्परेचर, उसी सेम टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर के साथ छेड़खानी नहीं की, हमने क्या किया कि जो बी का जो मोल है उसको एक और इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3 मोल था, तो सेकेंड केस में मैंने क्या किया, केस नंबर टू मैंने क्या किया, इसमें 1 मोल और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब केस टू में क्या हो गया, केस टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अब 4 मोल हो गया, क्यों, क्योंकि भैया पहले 3 था और एक और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसने बोल दिया। जब मैंने ऐसा किया तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 10 mm से और बढ़ गया, मतलब कि केस टू में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को मैंने सेम रखा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को एक से बढ़ा दिया, मतलब 3 से 4 कर दिया, तो इस केस में पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कह लो या फिर टोटल प्रेशर कह लो, वो 10 mm और बढ़ गया, मतलब पहले 500 था अब 510 हो गया। तो बताइए कि उनका पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू कितनी रही होगी, मतलब भैया सिंपल सी बात है, यहां दो केस हमको देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, 1 मोल, सेकेंड केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है, 3 मोल, और पूरा सोल्यूशन का प्रेशर या टोटल प्रेशर कह ले वो कितना है, 500। अब केस टू मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को तो सेम रखा बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को 1 मोल से इंक्रीज कर दिया, लिखा है ना देखो, इफ 1 मोल बी इज फर्दर एडेड, मतलब बाद में मैंने और ऐड कर दिया 1 मोल और बी में, तो अब पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 3 था तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना हो गया, 4 हो गया, और टोटल प्रेशर भी क्या हुआ, 10 mm से बढ़ गया। अब अगर टोटल प्रेशर 10 mm से बढ़ गया हमारा, तो पहले अगर 500 था तो अब कितना हो गया, 510 हो गया। तो हमें क्या बताना है, पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू बतानी है। अब सोच के देखो भैया, पूरे सोल्यूशन का प्रेशर हमने अभी अभी सीखा है राउल्ट्स लॉ से, जो कि फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सर हम एक्स ए और एक्स बी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल भैया, फार्मूला हमने पढ़ा है, एन ए इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, इससे एक्स ए निकल जाएगा और एक्स बी कैसे निकलेगा, एन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। अब भैया हमारे पास एन ए और एन बी है क्या, बिल्कुल, तो पहले केस वन के लिए लिखते हैं, पहले कैलकुलेट कर लो एक्स ए, एक्स ए कितना है सर, एक्स ए है एन ए की वैल्यू 1 और एन बी की वैल्यू 3, मतलब 1 अपॉन
वन प्लस थ्री मतलब एक्स से आया 1/4, ये सब केस वन के लिए कर रहे हैं, ये केस फर्स्ट के लिए, ठीक है, जहां एन ए की वैल्यू है 1 और एन बी की वैल्यू कितनी है 3। केस टू में अगर एक्स बी कैलकुलेट करें तो 10 मिनट्स, एक्स एन बी की वैल्यू कितनी है भैया 3, और ये कितना हो गया 1 प्लस 3 मतलब 3/4, मतलब एक एक्स से कितना है 1/4 और एक्स भी कितना है 3/4। तो फर्स्ट केस में सोच के देखो क्या भैया इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से यही होता है टोटल प्रेशर। तो केस वन के लिए अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, केस वन में टोटल प्रेशर कितना था भैया 500 mg, तो पीटी लिखा है जहां, उस पीटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 500 इंटू पी नॉट ए हमें निकालना है। एक्स से कितना आया केस वन में 1/4, तो क्या मैं इसको पी नॉट ए इंटू 1/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, प्लस पी नॉट बी हमें निकालना है सर, तो पी नॉट बी इंटू एक्स भी कितना आया केस वन में 3/4। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो मैं लिख सकता हूँ 500 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए बाई फोर प्लस 3 इंटू पी नॉट बी अपॉन 4, ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। अब आते हैं केस टू पे, भैया केस टू के लिए भी तो लिखना पड़ेगा। अब केस टू में सोचो क्या हुआ भैया, केस टू में टोटल प्रेशर कितना हुआ, केस टू में भैया टोटल प्रेशर 10 mm से बढ़ गया, मतलब 510 हो गया। इसका मतलब जो पीटी है इस केस में, पीटी की जगह सेकंड केस के लिए क्या लिखेंगे 510 इंटू पी नॉट ऑफ ए। अब भैया सेकंड केस के लिए भी एक्स और एक्स भी अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो सेकंड केस के लिए यहां साइड में कर दे रहा हूं मैं, एक्स की वैल्यू अगेन वही फार्मूला यूज करो, तो सेकेंड केस में एन ए की वैल्यू तो 1 ही है, मतलब 1/1 प्लस, बट सर सेकेंड केस में एन बी की वैल्यू 4 हो गई है, मतलब 1/4, तो इस केस में एक्स से 1/5 आएगा। सिमिलरली जब आप एक्स बी कैलकुलेट करोगे तो भैया एन बी की वैल्यू इस केस में 4 है, मतलब ऊपर लिख दोगे 4/1 प्लस 4, मतलब एक्स बी की वैल्यू 4/5। तो देखो बदल गया, फर्स्ट केस में एक्स से 1/4 था, सेकेंड केस में एक्स से 1/5 हो गया, फर्स्ट केस में एक्स ही 3/4 था, तो सेकेंड केस में एक्स भी 4/5 हो गया, इसीलिए आपका प्रेशर 500 से बढ़ के 510 हो गया। अब पी नॉट ए इंटू एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1/5, प्लस एक्स भी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सॉरी एक्स भी जगह मैं क्या पुट करता हूँ पी नॉट बी इंटू इस एक्स भी जगह क्या पुट कर सकता हूँ 4/5। तो यहां से एक सेकेंड इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, यहां से ये मिलेगी सर 510 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए अपॉन 5 प्लस 4 इंटू पी नॉट बी अपॉन 5। तो ये आपका मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपने लीनियर इक्वेशन मैथ में तो पढ़ाई है, आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, पी नॉट ए पी नॉट बी निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, पी नॉट ए अपॉन 5 प्लस 4 इंटू पी नॉट बी अपॉन 5। अब सोचो है ना, आपके पास एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है भैया, दो इक्वेशन दो अननोन, आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताओ बच्चा, निकल जाएगा, इतना कर सकते हो आप क्विकली, बताओ मैं कर दूं, सॉल्व कर दूं, बोलो सॉल्व कर दूं, आओ कर देता हूं। हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है पी नॉट ए पी नॉट बी, है ना, तो भैया दो इक्वेशन दो अननोन, लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करो, बस काम खत्म। अब सोचो पहला इक्वेशन क्या था, 500 इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस, अब दोनों जरा एलसीएम ले लो कॉमन, 4 नीचे देखो 4 एलसीएम आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा भैया पी नॉट ए इंटू 3 ऑफ पी नॉट बी, अब इस 4 को तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2000, तो 2000 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स पी नॉट बी, ये इक्वेशन पहला बन गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा भैया, 510 इज इक्वल्स टू, सेकेंड में क्या आएगा 5 कॉमन आएगा, तो भैया 5 ले लो कॉमन, इधर कर दो पी नॉट ए प्लस 4 टाइम पी नॉट बी। अब अगर 5 से 510 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, एक बार मैं फटाफट से कर देता हूँ, अगर 510 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 510 इंटू 5 ये भैया आता है 2550, तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा पी नॉट ए इंटू 4 टाइम ऑफ पी नॉट बी। अब ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आप सेकेंड को आप फर्स्ट को सेकेंड में से माइनस कर दो, तो कर दो दोनों इक्वेशन रख के, सेकेंड इक्वेशन क्या था और इसमें से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो,
पढ़ा होगा ना आपने ये, थ्री ऑफ पी नॉट बी, अब माइनस कर दो, ये कट जाएगा, तो ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, यानी सिंपली बचेगा पी नॉट बी। पी नॉट बी इक्वल्स टू कितना आएगा 550। तो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आई 550। तो भैया एक पार्ट तो आ गया, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आई 550, यहां लिख देते हैं साइड में, पी नॉट बी आ गई भैया 550। अब अगर पी नॉट बी आई तो भैया पी नॉट ए भी निकाल दो। तो आओ इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करो, फ्रॉम इक्वेशन वन इसमें पुट करो, जहां पी नॉट बी है वहां 550 पुट करो, तो इक्वेशन यूज कर लो, 2000 इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 × 550, यानी 550 × 3, तो पी नॉट ए कितना हो जाएगा 2000, इसको इधर भेजोगे तो माइनस आएगा, ये आएगा 1650, तो 2000 माइनस 1650 यानी 350, यानी फाइनल आंसर क्या आया, स्लाइड खत्म हो गई, यहां लिख देता हूं फाइनल आंसर, यहां लिख देता हूं क्या आया फाइनल आंसर, पी नॉट ए आया भैया 350 mmHg, और पी नॉट बी भैया आया 550 mmHg। मैंने पूरा एंड तक कंप्लीट सॉल्व करा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, समझ आया, राउल्स लॉ से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, कर लोगे, सिंपल मैथ हमने यूज किया, मजा आया, मेरे साथ रहोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चा, राउल्स लॉ से बेसिकली ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो मैं लिखाता हूं रिलेशन ना, उस रिलेशन को याद रखो, जल्दी से बताओ डाउट। माइक ऑन, देखो यार मैं माइक ऑन इसलिए नहीं कर पाता हूं ना, क्योंकि हेड जैक लगा हुआ है मेरा, और माइक्रोफोन में एग्जिट करूंगा तो बहुत सारा एक्सटर्नल नॉइज आता है, इसीलिए मैं कोई बच्चे से, आप टाइम लेके चैट लिखो, मैं समय दे के पढ़ूंगा आपके चैट को, ठीक है, बहुत एक्सटर्नल नॉइज आती है बेटा, मैं शांत जगह नहीं रहता हूँ ना, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, नंबर शेयरिंग इज नॉट अलाउड, ये STPG का जो कंसर्न है उसके खिलाफ है, तो मैं नंबर आपको नहीं दे सकता बेटे, ठीक है, पर्सनल नंबर, बट डेफिनेटली वो चैट में आप समय लेके लिखिए, नो प्रॉब्लम, मैं वो चैट पढ़ूंगा, मैं वो चैट पढ़ूंगा, अरे मैं नंबर नहीं दे सकता यार वासे, नौकरी खाओगे क्या मेरी, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरा, देखो जिसको भी, देखो जो भी डाउट है ना तुम्हारे, संडे को रखो, तुम अभी अकेले क्लास में आ रहे हो, बट ये लेक्चर्स को बहुत सारे रिकॉर्डेड बच्चे भी देखते हैं, इसी की वजह से संभव नहीं हो पाता है ना कि इतने टाइम में मैं आपका डाउट ले पाऊं, तो हर महीने मैं एक सेशन सिर्फ डाउट के लगा दिया करूंगा, अभी ठीक है इतना मैं कर सकता हूँ, उस दिन जो भी डाउट होगा पूछ लेना, आइदर वो डाउट सिर्फ सिलेबस रिगार्डिंग, नहीं सिलेबस के रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं, आप वो डाउट आप अपने पर्सनल डाउट हो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी पढ़ने मन नहीं लग रहा हो सर कैसे इंप्रूव करे पढ़ने को, टाइमिंग कैसे इंप्रूव करे भैया, बैठ के कैसे पढ़े, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, एग्जाम कैसे निकाले, क्या करना चाहिए, सब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है, तो मैं हर महीने एक सेशन आपके ले लूंगा डाउट वाला, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं सिर्फ डाउट दूंगा, और वो सेशन यहाँ नहीं मैं जूम पे लूंगा, वो जूम के लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आपकी वॉइस आए, अब ठीक है, ठीक है आप लोग के लिए मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, ठीक, तो आप सारे डाउट संभाल के रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ लिया करिए अभी, क्योंकि 1 घंटे का समय होता है, ठीक है, तो आराम से शिद्दत से पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सब डाउट इकट्ठा रखिए, सिलेबस के भी रिगार्डिंग हो या फिर बियॉन्ड सिलेबस हो, कभी आपका मन ना लग रहा हो या सर लैक ऑफ मोटिवेशन हो, ठीक है, वो सब चीज़ मैं क्लियर करूंगा, चलिए तो मैं सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है।